अब इसकी बात आता है हाथ, हाथ से हमने क्या किया, क्या किया, कर्म किया, द्वापर से लेके अब तक। द्वापर में राजा कौन करते हैं और एक बार हाथ उठाएंगे, वाह ये अच्छा है। तो राजा ने कितनों की गला काटा द्वापर से लेकर अब तक, कितनों की काटी, विकल्प किया तो बहुत ना, तभी तो मास्टर सर्वशक्ति वाले इतने कमजोर बन गए पाप करके। तो जिन हाथों से हमने विकल्प किया उन हाथों को क्या करना चाहिए, उनके कहते हैं क्योंकि राजाओं ने ऐसे किया जिन्होंने विकल्प किया उनके हाथ को काट दिया गया। लेकिन यहां बाबा कहते हैं जितना समय मिले ईश्वरीय परिवार में भगवान के घर में समय दो और सेवा करो, तब आपका पुण्य का कंगन हाथ में पहनोगे और बाबा की जो श्रीमत है उस पर जो चलते हैं उनको आयल मिल जाता है और जो सोमान में रहते हैं मेरी एक्टिंग को देख के आप मुस्कुरा, वो भी मुस्कुरा नहीं रहे। जो सोमान में रहते हैं मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, भले पेट खाली है कुछ नहीं किए हैं, मैं भाग्यवान पद्मा पद्म भाग्यवान, तो वो तिलकधारी बन जाते हैं, तिलक मिल जाता है। और जो जिम्मेवारी उठाते हैं बाबा की कोई भी सेवा का छोटी सी, समझ लो वहां झाड़ू लगाना है, कोई बोले तो सही फिर कचरा उठाऊं, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, हाँ ये उठाना दे रखा भंडारी में डालो, देखो कोई देखो तो सही, मैं क्या कर रहा हूं दिल से, क्या इन हाथों से करें, इन हाथों को पता नहीं चलना चाहिए, तभी हम अलंकार से सुशोभित हो जाएंगे और फरिश्ता की ड्रेस तो पहनने हो सो जाएगा, अलंकार सब मिल गया, मिल गया। तो इन हाथों से इतना द्वितीय कर्म करें जो इन हाथों को अच्छे अच्छे अंदर मिल जाए, पक्का पक्का। जितना हो सके अपने तन मन धन ईश्वर की सेवा में, कोई बोले करे कम हो जाएगा, दिल से जो हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। आज मैं अपनी बात बताऊं, हमने जो भी किया उसका हजार नहीं पद्म गुणा मिला जो आज सारे विश्व की सेवा हो रहा है, उठ रहे हैं। त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता है, करोगे नहीं, नहीं मेरे पूछे तो सही, इतना करे मेरा नाम नहीं लिया, नाम तो मंदिरों में मंदिर बनाने वाले भी कोई प्लेटफॉर्म पे वो पत्थर भी लगाते हैं, लोग थूक के चले जाते हैं, कोई लात मार के चले जाते हैं, लेकिन आप ऐसे करो इन हाथों को दो, इन हाथों से पता नहीं चलना चाहिए, कोई पूछे या ना पूछे, कोई टोली खिलाए या ना खिलाए, लेकिन दादी दीदियां इतना प्यार देते हैं, सबको मिलता ही है। लेकिन मैं उसके बारे में उसी के लिए नहीं आया हूँ, मुझे अपना भाग्य बनाना है इन कर्मों से। झाड़ू अगर लगानी है इतना दिल से लगाओ कि बाप दादा के डायमंड हॉल में आपको बुलाया जाए, कि दानपुर में जो माता बहन कन्या भाई कुमार है ना उसको बुलाओ, बड़े दिल से लगाता है, समय करता है, तो क्या होगा, वो दिल से किया हुआ चीज आपके जीवन की विशेषताएं बन जाएगी, करोगे बिना पूछे, समय दो। समझ लो यहाँ इतने अच्छे गार्डन है, मानसिक मैं तो कर ही रहे हैं, नहीं वो तो कर रहे हैं ना, अपने दिल से आके पूछो। मैं जब सेंटर में आया शुरू शुरू में दीदी को पूछता था, दीदी कोई सेवा है क्या, ये टाइम पर आ गए आप, ये कोई टाइम होगा, अच्छा ठीक है जाओ माटी मिट्टी खोदना गार्डन में, फूल फूल लगाना, हाँ जी हाँ जी। समय जितना मिलता है, जो सेवा मिलता है मौका अवसर ले लो, बाबा के घर में आपके हजार नहीं पद्म गुणा कहाँ मिलेगा, भूल जाओ सती को, यहाँ संगम में मिलने वाला है। जब यहाँ धन धान्य संपन्न नहीं बनोगे तो वहां कहां से बनोगे, यहाँ से भरपूर होके जाना है। और प्रैक्टिकल होगा करके देखो, उसका डेमो आपको मिलेगा यहाँ, फिर सीरियस हो रहे हो पक्का